ये एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर आप इसे देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर द ईयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यहाँ इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है, पहले तो ये पता चल जाता है कि 7 दिया है, 7 ये क्या हो जाएगा, 7 एंड 700। तो यहाँ 700 जो है अगर हम देखते हैं तो 700 क्या है, एस एन दिया है, क्या दिया है, एस एन, ये सारा गिवन है, क्या है, गिवन, 700 क्या है, गिवन है। और एन अगर हम देखते हैं तो एन क्या दिया, क्या है, 7, एन भी क्या है, गिवन, एन भी क्या है, गिवन है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये दो पॉइंट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, इफ ईच प्राइजेस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइज एंड सक्सीडिंग प्राइज, तो ये मैं आपको यहाँ एक कंफर्म कर देता हूँ, प्रीसीडिंग, अगर आपको प्रीसीडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो और सक्सीडिंग का आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हैं, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, ये सक्सीडिंग होता है, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग मीन्स पीछे और ये सक्सीडिंग मीन्स आगे, ये दोनों अगर आगे और पीछे अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह आप लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरह आप लगा सकते हैं। इसे आप ध्यान से देखिए, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, तो आप प्रीसीडिंग मतलब पिछला जो है 20 लेस होगा, इट मीन्स डी क्या हो जाएगा, यहां डी क्या हो जाएगा, -20, क्योंकि लेस होना है तो पता है लेस में से 20 अगर लेस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्रीसीडिंग की बात कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव में चला जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, आगे समझ में। तो अब देखो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, ए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो अब हम निकालते हैं एस एन का हम फार्मूला क्या जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो एस एन कितना दिया है यहां 700 और n कितना दिया है 7/2 और 2a हमें निकालना है और प्लस n कितना हो गया 7-1, ठीक है, 7-1 और 7-1 और माइनस 20, ठीक है, d। तो अब देखो 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 ये हो गया इक्वल टू 2a, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मुझसे फिर पूछेंगे, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 120 होगा कि नहीं होगा, yes, और 7 से कटेगा कि नहीं, 100 आएगा कि नहीं, yes, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 200 और इधर माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2a, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 320, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 2, तो 160, ए क्या आ गया 160। तो अब पता है आपको d पता है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें 7 है तो क्या होता है फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइज a, सेकेंड प्राइज, ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ठीक है, ये है, ठीक है, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, और a जो है, ये क्या है, यहाँ कितना आया हमारे पास 160 फर्स्ट प्राइज हो जाएगा, उसके बाद a 160 जो आया है, 60 में से माइनस कितना होगा 20, तो कितना हो जाएगा 140, मतलब माइनस होता चला जाएगा 160 माइनस क्या हो जाएगा 40 होगा,
कितना जाएगा 120, 160 माइनस 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्या जाएगा 100, और 160 माइनस 80 आ जाएगा, 160 माइनस 100 60 आ जाएगा, 160 माइनस 120 क्या आ जाएगा 40. मतलब ये क्या हो रहा है, प्रेसीडिंग. अब यहां आपको आगे समझ में, प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेसीडिंग एंड सक्सीडिंग. क्योंकि प्रेसीडिंग एंड सक्सीडिंग अगर समझ में आ गया तो आपको बहुत आसान हो जाएगा. प्रेसीडिंग मीन्स ये, प्रेसीडिंग मीन्स पीछे, पिछला, ठीक है, ये मतलब बिफोर, और ये अगला आफ्टर, ठीक है. ये आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया अच्छी तरह. अगर आपको नहीं समझ में आया फिर भी आप पूछ लेंगे, ठीक है. थैंक यू.